हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। भाई आज मैं किसी का वीडियो बनाने वाला हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एडमिशन शुरू हो गया है शुभारती यूनिवर्सिटी में, और मैं खुद हॉस्टल में रहता हूं। जैसा कि आप हमारे बैकग्राउंड में देख सकते हैं, ये हॉस्टल से ही मैं आपको यह वीडियो बना रहा हूं, शूट कर रहा हूं। तो दोस्तों मैं ज़्यादा इसमें आपसे टाइम नहीं लूँगा, यह वीडियो लंबी हो सकती है, क्योंकि इसमें जो है मैं आपको 3-4 तरीके के रूम का रिव्यू करवाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर 2-सीटर, 3-सीटर और 4-सीटर तक रूम अवेलेबल है। और एट द लास्ट मैं आपको यही बताऊंगा कि भाई तुम्हें पैसे कितने लगने वाले हैं इस हॉस्टल में आने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो है सालों साल हॉस्टल के फी इंक्रीज होते रहते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट होती रहती है हॉस्टल के अंदर। पिछले साल जो है कैमरे नहीं थे, वाईफाई नहीं थे, जिसके वजह से पिछले साल का हॉस्टल फी कम था, इस साल का हॉस्टल फी इंक्रीज हो गया है, और ये डिपेंड करता है हमारे कोर्स के ऊपर भी। तो चलो मैं आपको वीडियो के माध्यम से सारा रूम दिखाता हूँ, और थोड़ा सा बाहर से भी आपको दिखाऊंगा। 3 हॉस्टल हैं यहाँ पे जहाँ पे मैं रह रहा हूँ। तो चलते हैं नीचे, मैं आपको तीनों हॉस्टल 1 by 1 करके दिखाता हूँ, और रूम में भी लेके चलूँगा। तो लेकिन और अगर कोई कंफ्यूजन हो जाए तो आप हमें कमेंट में जरूर बताना। तुम्हारा भाई यहाँ रिप्लाई करने के लिए बिल्कुल तैयार है, उसी का कमेंट में जवाब दूंगा। तो फिर मिलते हैं एट द लास्ट में। जैसा कि गाइज मैंने बोला था कि आपको यहाँ पे 3 हॉस्टल मिल जाएंगे, जैसे कि आप ये पहला हॉस्टल VHR जिसमें मैं रहता हूँ, और वो एट द लास्ट जो है बड्डी वाली बिल्डिंग जिसमें 5th फ्लोर तक है, उसमें आपको मैं ले जाऊँगा। वो दूसरी है, और ये हमारी तीसरी है जो MLD के नाम से जाना जाता है। तो मैं अभी जो है सबसे पहले आपको उस बड़ी वाली बिल्डिंग में ले जाऊँगा, जहाँ पे जो है रूम मैं आपको 4-सीटर दिखाऊँगा, बड़ा 5th फ्लोर वाले में लेके चलता हूँ। चलो वीडियो में अंत तक बने रहो। आ गए हैं इस 4th फ्लोर पे, जैसा कि आपको मैंने बता रखा था, देख सकते हो आप पीछे 4th फ्लोर लिखा हुआ है। तो मैं आपको चलता हूँ अब आपको 4-सीटर रूम में लेकर, इसके बाद होगा आपको 3-सीटर, उसके बाद होगा 2-सीटर। तो कहने का मतलब मैं आपको बिल्कुल दिखाऊंगा 4th फ्लोर पर। आप देख सकते हो ये हमारा थोड़ा सा ये गैलरी से आप देख सकते हो भाई, बहुत ऊँचा बिल्डिंग है ना उधर इधर को। तो चलिए मैं आपको रूम का रिव्यू दिखाता हूँ। ये जो है पानी सप्लाई करने का मशीन है, और यहाँ पे गीजर वगैरह है, जनरल में लगा हुआ है। वैसे बाथरूम बाय बाथरूम नहीं है, जहाँ से आप ठंड के मौसम में पानी भरते हो। 409 रूम नंबर, जो कि 4-सीटर रूम है, और इसमें बंदा जो है एक ही दो बंदा अभी है, तो उनका मैं ज़रा आपको रिव्यू दिखा देता हूँ। ये रूम है, जैसा कि मैं इधर से आ रहा हूँ, और मैं अब इसके अंदर एंट्री करता हूँ, और इस 4-सीटर रूम का वाह नाइस, ये 4th फ्लोर पर भाई। अरे भाई सरप्राइज, वह पढ़ रहा है, देख सकते हो भाई हॉस्टल में पढ़ रहा है भाई, ये बहुत अच्छी बात है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये 4-सीटर रूम है, जैसा कि आप देख सकते हो 1, 2, 3, 4 बेडशीट हैं, और भाई के 4 टेबल हैं, 1, 2, 3 और 4, चारों बंदे के लिए अलग अलग टेबल दिए गए हैं इनको, और इनको अलमीरा भी दिया गया है जिसमें ताला लगा हुआ है। ये घर गया 1, 2, 3, 4, और एक 4-सीटर रूम है। और इधर से आप, मैंने अभी आया था, और ये पंखा वंखा चल रहा है, और इस भाई का देख सकते हो ये बाहर बहुत ही अच्छा नज़ारा ले पा रहे हैं, यहाँ से लुकिंग भी बहुत नाइस है, देख सकते हो इधर वगैरह सोसाइटी है। और ये हमारा VHR हॉस्टल जिसमें मैं रहता हूँ भाई, बहुत ही अच्छा लग रहा है 4th फ्लोर, ये पूरा 5th फ्लोर का ये जो है पूरा हॉस्टल है, जहाँ पे अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, जो कि आप अच्छा इमेजिन ले सकते हो, एक अच्छा नज़ारा देख सकते हो खिड़की से 5th फ्लोर पर जब आप जाओगे तो, है ना। तो अब और मैं आपको इनका बाथरूम दिखा देता हूँ। बाथरूम जो है इसी में टाइप है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और ये आपका नल, वाह इसका वॉशरूम भी बहुत साफ सुविधा है, क्योंकि ये पर्सनल में है, जिसमें आप वेस्टर्न सीट देख सकते हो, यहाँ धोने का वॉश बेसन, और तो आपको टोटी दिया गया है। इसमें आपको गीजर नहीं है, गीजर एक जनरल में ही है, जो मैंने आपको वहाँ पर दिखाया था। तो गाइज आपने 4-सीटर का पूरा ब्लॉग देख लिया, मैंने आपको अभी दिखा दिया 4-सीटर रूम कैसा दिखता है ये संघा हॉस्टल में, जहाँ से मैं अभी निकल के फाइनली आया हूँ। और एट द लास्ट आपको MLD जो हमारे पीछे है इसके अंदर लेके चलता हूँ, 2-सीटर आपको दिखा दूंगा। ताकि मैं इसलिए दिखा रहा हूँ आपको 2-3 हॉस्टल का रूम, ताकि आपको फैसला करने में दिक्कत ना हो कि हमें किस हॉस्टल में रूम लेना चाहिए, कैसा दिखता है। क्योंकि भाई 3-4 साल रहोगे कोर्स के दौरान, तो तुम्हें थोड़ा आउटलुक भी अच्छी होनी चाहिए, खिड़की वगैरह देख के रूम लेना। अगर आप रहने से पहले अगर वार्डन सर को बोलोगे तो आपको वह जरूर आपके अकॉर्डिंग रूम देगा। यहाँ पर थोड़ी सी पैसे की बात है, जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से होंगे उनको तो अपने मर्जी अनुसार से रूम मिल जाते हैं। और हाँ भाई, जो सिंगल सीटर में रहना चाहते हो उन्हें पैसा थोड़ा ज़्यादा लगता है, लेकिन सिंगल सीटर मिल जाता है। 2-सीटर में भी रह सकते हो, 3-सीटर एज यूर विश आप जैसे रह सकते हो। चलो मैं आपको 2-सीटर थोड़ा बहुत कम ही समय में दिखाता हूँ। के 3rd फ्लोर पे जैसा कि आप देख सकते हो 3 है ना, 3rd फ्लोर इसका मतलब है, जहाँ पे मेरे दोस्त रहते हैं 330 नंबर रूम में। और मैं इनके रूम में थोड़ा दिखाता हूँ, 2-सीटर रूम है। अरे जैसा कि भाई पढ़ रहे, वाह पढ़ रहे हो या कीबोर्ड ठीक कर रहे हो भाई, कीबोर्ड कुछ हाँ कुछ प्रॉब्लम हो गया। जैसा कि आप देख सकते हो भाई का ये एक बेड, और एक वो भाई अभी जो नहीं है, 2 बोर्ड, और यहाँ पे 2 अलमारी, 1 और 2,
और मैं आपको ये दिखा दूँ, थोड़ा छोटा, बहुत ज़्यादा छोटा है स्पेस है जहाँ पे आप थोड़ा टू सीटर रूम लें तो थोड़ा समझ बूझ के लें। अगर आप सिंगल अकेला ही लेना चाहते हो तो ले भी सकते हो। और इधर थोड़ा सा मैं दिखा दूँ खिड़की के बाहर, ओह माय गॉड, बहुत ही अच्छा व्यू दिख रहा है, जो कि मैं संघा से भी वीडियो बना गया, वहाँ का वो हॉस्टल है। और ये खिड़की का आउटलुक का भाई बहुत ही मुफ्त में फ़ायदा उठा रहे हैं, है ना, इन्होंने लेने से पहले बहुत अच्छा से सेलेक्ट करके रूम लिया होगा। तो ये रहा आपका टू सीटर MLD का, जो कि आपने पूरा अच्छे से देख लिया होगा, है ना। आप अभी तक जो है आपने फोर सीटर रूम अच्छे तरीके से आपने देख लिया। अब मैं चलता हूँ अपने BHR हॉस्टल में, जो कि ये मेरा हॉस्टल है, और मैं इनके अपना थ्री सीटर रूम, मैं अपना पर्सनल रूम आपको दिखाता हूँ, जैसा कि आप देख सकते हो। और मैं अभी चलूँगा, वहाँ पे बेडशीट भी तीन है और तीन रूम पार्टनर भी हूँ मैं देख चुके, तो चलो चलते हैं अपने रूम के अंदर लेकर। तो ये है VHR हॉस्टल, जैसा कि आप इधर से गेट देख सकते हो, और मैं चलूँगा अभी हॉस्टल के अंदर। उससे मैं होके आ चुका हूँ संघा से, है ना, तो मैं अब चलता हूँ इधर को। यहाँ पे आप कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह पढ़ सकते हो, जहाँ पे गार्जियन वगैरह अलाउ नहीं है और डे स्कॉलर अलाउ नहीं है। ये हमारे नितिन भैया हैं, कैसे भैया, बढ़िया, आपको बहुत सारे स्टूडेंट देख रहे हैं, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना भैया वीडियो से, मैं पॉजिटिव वीडियो बना रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना भैया। ठीक है भैया, मैं चलता हूँ इस हॉस्टल में आपको लेकर, हमारे नितिन भैया का एग्रीमेंट मिल चुका है हमें। आप यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बोर्ड देख सकते हो, सभी हॉस्टल के अंदर ये नोटिस बोर्ड होता है, जहाँ पे आपको नोटिस वगैरह और अखबार पढ़ने के लिए मिल जाएगा। और इस हॉस्टल का हिस्ट्री है, और थोड़ी बहुत आप रैगिंग से मैं बता देता हूँ, यहाँ पे रैगिंग अलाउ वगैरह नहीं है। तो चलता हूँ मैं डायरेक्ट आपको अपने रूम में लेकर। तो गाइस, ये है मेरा 208 रूम नंबर, और ये कि BHR का है, जैसा कि आप अभी मैं रूम में एंट्री कर चुका हूँ, आप देख सकते हो। ये हमारा थ्री सीटर रूम है, जैसे कि एक मेरा रूम पार्टनर सो रहा है, और इधर इनका टेबल है जो कि खाने पीने के सामग्री के टेबल पे रख रखा है, और ये मेरी टेबल है जहाँ पे मेरा लैपटॉप आप देख सकते हो, ये और ये हमारा बेड है, और ये हमारा रूम पार्टनर है, अपना मस्ती कर रहा है ये भी लैपटॉप के साथ। और ये रहा आपका थ्री स्टार रूम, जो कि मैंने आपको दिखा दिया बहुत कम ही टाइम लेते हुए BHR का। और ये आप थोड़ा सा आउटर इधर देख सकते हो, इधर से ये जो है संघा का बिल्डिंग दिखता है, है ना, जो कि आपको बहुत अच्छा नहीं लग रहा होगा। यहाँ पे भी सभी को अलग अलग अलमीरा दिया गया है, जैसे कि ये अलमीरा, ये अलमीरा, और वो मेरा वाला अलमीरा, है ना। और कपड़ा टांगने के लिए हैंगर लगा हुआ है, सभी के रूम में कपड़े टांगने के लिए अपने अपने ठुकवा सकते हो। बाकी बात, ये अपना लाइट, ये लाइट है ना, और ये दो पंखे दिए हुए हैं, तो मैंने आपको सारा चीज़ दिखा दिया। गाइज, एक चीज़ सवाल बन रहा होगा कि यार अब इतना सारा चीज़ हो गया तो हॉस्टल का फी कितना लगता है, तो मैं ज़रा बता दूँ आपको। ऐसे तो नॉर्मली हॉस्टल फी पिछले बार 48,000 कुछ था, लेकिन इस बार जो है 55,000 हो गया, 7,000 रुपया बढ़ गया। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि डेवलपमेंट हो गया है हॉस्टल में, सालों साल डेवलपमेंट होता है, इसके कारण यहाँ पे जो है ना हॉस्टल फी बढ़ते जाता है। जैसे कि आपको वाईफाई मिल रहा है यहाँ पे, और कैमरे लगे हुए हैं, जिसके कारण आप जो है रूम को खुला छोड़ कर थोड़ा बहुत जा सकते हो, जिसके कारण चोरी होने का संभावना कम है, ये सारी फैसिलिटी है। तो 55,000 से लेकर 60,000 के बीच तक का रेंज का आपको हॉस्टल यहाँ पे अवेलेबल है। और ये डिपेंड करता है कि आप सिंगल सीटर में रहते हो या टू सीटर में। सिंगल सीटर में रहोगे अकेले तो ज़्यादा पैसे लगेंगे, और फोर सीटर थ्री सीटर में तो नॉर्मल इतने ही रेंज आपको लगते हैं। ये रहा आपका हॉस्टल का फी, मैंने बता दिया। और आपको थोड़ा सा इस हॉस्टल का वाशरूम दिखा देता हूँ, जो कि जनरल में है, रूम में टाइप नहीं है, जैसा कि मैंने आपको पिछले वाले फोर सीटर में दिखाया था। रूम से निकलने के बाद यहाँ पे आपको बालकोनी मिलती है, जहाँ पे सभी लड़के लोग कपड़े जो है अपने रस्सी पे या ऐसे इस बाउंड्री पे सुखाते हैं, जहाँ की आप इधर जो है नीचे में आप कभी कभी जाके बैडमिंटन वगैरह खेल सकते हो, नीचे में जाकर पूरा बना हुआ है ये आपका, है ना, इस तरीके का। और मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ, आप जो बोले थे वाईफाई का, तो ये रहा आपका वाईफाई का वो राउटर, है ना, जहाँ से आप यूजर आईडी पासवर्ड जो है आपके मोबाइल में लॉगिन शो होगा, आप वहाँ पे जाके साइन अप कर सकते हो अगर आप रिचार्ज करा के रखते हो तो। 300 रुपये में अनलिमिटेड आपको नेट मिलते हैं। ये कैमरा है जो कि सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए आपके रूम में, है ना, कभी चोरी ना हो ये गैलरी। और आपको टॉयलेट ये है जो जनरल में है, लगभग हर एक कोने में टॉयलेट अलग अलग है। और यहाँ पे आपको टॉयलेट में ये जो है आपको, है ना, शीशे लगे हुए हैं जहाँ पे आप अपना चेहरा धो सकते हैं और देख भी सकते हो। ये गीजर लगा हुआ है, एक ही एक बाथरूम में एक ही गीजर है। और मैं आपको नहाने वाला जो है चार है, और ये बॉयज हॉस्टल है भाई, ध्यान मत देना, ठीक है, ये चार ये नहाने वाला था, और ये है आपके, ठीक है, एक ये दो लगा हुआ, ये तीन, और एक इंग्लिश में दिखा देता आपको, वेस्टर्न भी है भाई, नॉर्मल कोई दिक्कत ना है, ठीक है। यार हमें आशा है कि यह वीडियो बहुत ही बड़ा हो गया है, कोई बात नहीं, मैंने कोशिश किया सारा का सारा जानकारी देने के लिए, बस एक कमी रहेगी जो मैं आपको मेस का वीडियो नहीं दिखा पाया। और मैंने यहाँ पे क्या कमी की आपके अनुसार से, क्या और जानकारी मैं दे सकता था, आप हमें कॉमेंट में बताएं, मैं जल्द से जल्द फिर वीडियो बना दूंगा आपके लिए। आप इस हॉस्टल में आना चाहते हो तो बेफिक्र होकर, निफिक्र होकर आओ, कोई दिक्कत नहीं है। आप हॉस्टल लेने से पहले एक बार वार्डन सर से कंफर्म करो, आप किस तरीके का रूम लेना चाहते हो, आप किस तरह के रूम पार्टनर के साथ रहना चाहते हो, या आप डिसाइड कर सकते हो। और कोर्स फी
या हॉस्टल फी, सॉरी हॉस्टल फी घटता या बढ़ता रहता है, कम ज़्यादा हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने अपडेट आपको जानकारी दिया। तो वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना मेरे भाई, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जो बोलोगे वो वीडियो अगला बार आप ही का होगा।